ओके, राधिका आ रही है आवाज? हेलो राधिका, माइक्रोफोन को दूर मत रखो, पास ही रखो, नीचे चला जाता है, गर्दन पे लटक जाता है वो, आवाज नहीं आती। तो देखो, योगन करते हैं ना, योगा ऑर्डन जी डिटीर देन योगा फिगुरन सू। कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, पोजेज होते हैं ना अपने, योगा पोजेज। तो वो ये वाला पोज कौन सा है? से वाला कोबरा पोज होता है ना, तो लिख दो, ये हो गया आपका डिकोबरा ना। ये ट्री पोज है, आ वाला शायद, आई गेस ना। और ये बिल्ली वाला पोज है, निकात से, डे वाला। और बे वाला आपका दे हुंट, डॉग वाला पोज है ये। फिर बाद में करेंगे इसका ना। अब देखना है, वेल से टेक्स्ट पास टू वेलशम फोटो। यहाँ पे क्या करना था? ओल्डन जी टीयर है देन योगा फिगरेंस हो, ये तो अपन कर ही दिया है ना। फिर सुनना है, सुन के करेंगे इसको। ह्यूरन जी नोकाइन माल वेल से क्यों पर टाइल है ह्यूरन जी, कौन से बॉडी पार्ट्स आप सुनते हो? क्रोसन जी अन है ना, आइन व्योटर क्यों पर बिशिप्टन जी दी पेजोन है ना। बना सकते हो उसको, इंसान को बना दो पूरा, दिहारे नाज है मुंट ओरन है फिंगर आर्म है ना, बाउक हल्स लिप फुस बना दो, उसके नीचे बाइने बना दो, फुस बना दो, पूरा कर दो इसको है ना, पूरा करना है इसको। ऐसे बना के नहीं हो, पैर लगा दो इसके नीचे, विकल्प लगाए थे आपने सांता क्लाउज के है ना, वो तो बाइने बन जाएंगी, नी आ जाएगी उसमें बाइने में ही ना। हेलो, अभी तो मैं भी जॉब होती है 6 बजे तक, तो मैं हो जाता हूँ तब तक, 11 बजे आपने मना कर दिया था। तो आज से पॉसिबल नहीं है? अभी ले सकते हो आप? अभी मैं पूछता हूँ, अगर होता अभी 1 डेढ़ घंटे फ्री हो आप ना, तो पूछता हूँ, मैसेज करता हूँ। डन, सारे बना दिए बॉडी पार्ट्स ना। कल से यार पता नहीं क्यों फांसी हो गई है। राधिका डन, देखो यस सर।
देखो जैसे ये है ना, मान लो ये कंप्लीट हो गया, ये पैर ऐसे बन गया, इसके ऐसे बना दिया ना, अब देखो ये थर्ड वाला ना मैच करो, वॉट फेरबिंडुंगन ना वास पास सुजामन, तो ये 1 2 3 4 5 से एक आ बे से डे ए, ये कित मैच करनी है आपको ना। ओपन टू ओपन, अनविंकल अनविंकल ना ट्विस्ट करना, टू ट्विस्ट, ओके, स्टार के मुस्केल हाबन, आउगनन ओरन नियरन योफनन, देन आम नियरन प्रिनियरन ना, देन क्योप हेबन, नहीं नियरन आर्म हेबन होना चाहिए, आम हेबन होना चाहिए, देन क्योर पर ट्रेनियरन होना चाहिए, और दस बाइन अनविंकल ना, पैर को ट्विस्ट करते हैं ना अपन, आम को तो उठाओगे ना ऊपर, तो हेवन मतलब टू लिफ्ट ना, बस बेन क्योर पर। नीचे आए, स्पोर्ट उन ट्रेनिंग ना, लेजन जी दी स्पोर्ट मैगजीन टेक्स्ट है, ऑफ जाइट है, स्वाई हुंडर ऑक्सेन, स्वाई हुंडर नोइन से नौ काइन माल, 218 और 219 पे टेक्स्ट आया था, देखो वहां पे, तो वहां से उठाना है, वहां से रीड करना है वापस से, आप बताना क्या चीज रिस्टिश है, वहां से रिस्टिश क्रोएशियन,
फर्स्ट में क्या चाहिए, लाउफन इज गुड फ्यूअर आउगुनन ओरन देन गांसन के ऊपर और देन ओवर के ऊपर अपर बॉडी गांसन कोर्ट पर नहीं आएगा फुल बॉडी ना पैरों के लिए भी तो अच्छा है लाउफन ना क्या जी तो राधिका क्या सही होना चाहिए देन गांसन के ऊपर ना देखो लाउफन इज गुड फॉर यू लाउफन किसके लिए अच्छी है आउगनन ओरन कान और आंखों के लिए देन गांसन के ऊपर फुल बॉडी के लिए और देन क्योर ओवर के ऊपर अपर बॉडी के लिए तो बे सही होना चाहिए देन गांसन के ऊपर ना ओके बैग स्पोर्ट पहाड़ों का स्पोर्ट ना पहाड़ों वाला ना मोस्ट गुड फॉर ब्राइटेड वेडन अच्छी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए इस जिशर सिक्योर है क्या वो कान ये डर माखन हर कोई कर सकता है उसको तो कौन सा सही होगा मोस्ट गुड फॉर ब्राइटेड वेडन ना उसके लिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए ना फर्स्ट वन आइज द राइट आंसर थर्ड वाला रीड करो बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डर सॉरी म्यूशन आइन माल्टी वॉक ट्रेनियर डिफरेंट काइन फ्लाइस एसन म्यूशन ऑफ ईयर एनरुंग आक्टन एनरुंग क्या होता है डाइट जो होती है ना उसकी एक तरह से उसको बोलते हैं जो खा पी रहा है ना वो होता है एनरुंग ना भाई ऐसा तो कहीं कहीं नहीं है कि दिन उसको वीक में एक बार ही ट्रेनिंग करनी है मतलब है, ये तो गलत है और ऐसा भी नहीं है मीट नहीं खाना उसको परमिशन नहीं है मीट खाने की तो उसको एनरुंग का ध्यान रखना है अपनी डाइट का ध्यान रखना है खाने पीने का ध्यान रखना है नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है तालिब हुसैन बन जाओगे आप नहीं तो है ना क्या जी तालिब के पता है क्या हुआ है आपको खराब खराब सब दिक्कत हो गई उसको है ना मतलब ठीक तो क्या पता नहीं क्या दिक्कत हुई है तो नहीं पता पर सबको जैसे नहीं छोड़ना चाहिए ना बिल्कुल कम कर दो बिल्कुल मत छोड़ो ताइची में देखो मतलब एडल्ट्स केवल सिर्फ एडल्ट्स ही कर सकते हैं इसको ताइची को ऐसा तो नहीं है ट्रेनियट देन क्योपर और देन कॉफ आपकी बॉडी और दिमाग को ट्रेन करती है माकमन इमन इन देयर नाटू ऐसा थोड़ी कि आप उसको नेचर में ही कर सकते हो नेचर मतलब जंगल में बाग बगीचों में फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है तो बे ठीक होना चाहिए ना आपकी बॉडी को और दिमाग को ट्रेन करती है ना नीचे आ जाओ तो आंसर क्या हो जाएंगे आपका से और ये हो जाएगा आपका बे तो देखो मार्किरन जी डी स्पोर्ट आर्ट इन द टेक्स्ट एंड आउटसाइड स्वाइहुंडर ऑक्सन स्वाइहुंडर नॉइंसन उन इन देन आउटजागन फॉन इजाबेल एंड स्टेफन स्टेफन रीड करो जी चौधरी जी स्मार्ट ऑफ फील्ड स्पोर्ट इज गिवन रेगुलर मेसेस लाउपन उन स्विमन स्मार्ट है गेयरनेस स्पोर्ट अलाइन हाबे इस फाइट सोम नॉट डेंटन उन एंड स्पाइनल इन और लाउ फारे इस ऑर्डर शी ये साइलेंट रहता है शी वेयर इज टाइगन या बैक स्पोर्ट इज माइन हॉबी बाल स्पोर्ट आर्टन इफ फॉलन में इज स्मार्ट काइन फुटबॉल और हैंडबॉल 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 डार्क फिंगर इज ब्लूड रुक जाओ राधिका भी है इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ इश्मा के फील्ड स्पोर्ट मैं बहुत सारा स्पोर्ट करती हूँ है ना इसलिए रेगुलर मैच लाउफन एंड स्विमिंग मैं रेगुलरली भागने और तैरने जाती हूँ इश्मा के गैर ने स्पोर्ट अलाइन आई डू स्पोर्ट अलोन हैप्पीली ग्लैडली फॉर एग्जाम्पल पसंद है उसको है ना देन हब साइड फ्रॉम नाक डेंकल तो मेरे पास टाइम होता है सोचने के लिए और एंड स्पानन और रिलैक्स करने के लिए मतलब किस चीज के बारे में सोच रही है तो दौड़ते हुए सोच रही है किसी चीज के बारे में फॉर एग्जांपल नाक डेंकन का मतलब ये होता है तो थिंक अबाउट इट है ना
कोई चीज काम कर रहे हो फिर उसके बारे में सोच रहे हो, वो नाक डेंकन कहलाएगा, है ना। एमोलाउ फारेशी ओडा गे वेर गिस्ताइगन। जब मेरे पास वैकेशन होता है, छुट्टियां होती हैं, तो मैं स्कीइंग करने जाती हूँ या फिर मैं पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, है ना। बैग स्पोर्ट इज माय लीवलिंग्स हॉबी। पहाड़ों पे चढ़ना मेरा फेवरेट हॉबी है मेरी। बाल स्पोर्ट आर्टन गे फालन मियर निस्कूट। मतलब बॉल से रिलेटेड जो आर्ट है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये इसको पसंद नहीं है, है ना। इश्मा काइन फुटबॉल और हैंडबॉल। मुझे फुटबॉल और हैंडबॉल पसंद नहीं है। दास फिनिश ब्लूड। ब्लूड मतलब बेकार लगती है इसका, है ना। इसका एक एडजेक्टिव चेक करो एक बार ब्लूड का। राधिका हो क्या, रीड करिए अगला वाला टेक्स्ट। और थोड़ी है ग्रुप में कोई दिख रहा है क्या? या चलो अपन ठीक है। तो एंडफाइंडिंग मतलब रिलैक्स। पढ़ो दोबारा पढ़ो। इन द वॉक फुटबॉल Langweilig. In der Woche mache ich wenig Sport. Week mein, I do little Sport. Ich muss viel arbeiten. I have to work a lot. Und habe wenig Zeit. Or have little time. Kam samay hota hai mere paas, na? Aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit. Rojana, mein cycle ke saath kaam pe jata hu. Am Wochenende spiele mit Freunden Tennis. वीकेंड पे दोस्तों के साथ टेनिस खेलता हूँ या फिर फुटबॉल खेलता हूँ। स्मार्क स्पोर्ट इन द ग्रुप है। आई लाइक स्पोर्ट इन द ग्रुप। टेनिस इज सुपर। एस मार्क फिट एंड मार्क फील स्पास। टेनिस सुपर है। इट मेक्स फुट फिट, मतलब ये आपको फिट करती है। उन एस मार्क फिट एंड मार्क फील स्पास, और मजा फन देती है, मजा देती है आपको, खेलने मजा आता है। लाउफ एंड ऑटो बॉडी बिल्डिंग फिनिश लॉन्ग वायलिश। भागना और बॉडी बिल्डिंग करना ना, वो मुझे बोरिंग लगता है। आई फाइंड इट बोरिंग। तो देखो वेल्श स्पोर्ट आर्टन गिफालन इजाबलन स्टाफन वेल्श इनिस अंडरलाइन करो। इजाबेल को कौन कौन सी आर्ट्स पसंद थी ना, वो देखो ऊपर। शी और बैग स्टाइगन शायद पसंद थी उसको। और बॉल स्पोर्ट आर्टन पसंद इसको नहीं था। बॉल स्पोर्ट आर्टन ना, जैसे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल फॉर एग्जांपल। ब्यूटी बिल्डिंग और भागना। डन। कई बार क्रेजी स्पोर्ट आर्टन भी करते हैं हम लोग ना, क्रेजी राफ्टिंग करते हैं, वो क्रेजी है एक तरह से ना। कई बार उलट हो उल्टी हो जाती है वो ना, है ना। कई बार वो बड़ी वाली भी हो जाती है लहरें, वो जोर से कोई वेव आ गई फॉर एग्जांपल, है ना, पानी का वहाव तेज है और वो हो जाता है, उलट भी जाती है ना, है ना। और ये देखो सेकंड बे में कौन सी फोटो दिख रही है आपको, क्या मतलब इस आर्ट को क्या बोलते हैं? कल पढ़ा था अपन ने, राधिका याद है बे में क्या पढ़ा था अपन ने कल? क्या बोलते हैं डाइविंग को जर्मन में? टाउखन आया था, याद करा करो थोड़ा सा, है ना। टाउखन लिख लो उस पर, टाउखन है ये। और सेम है क्या स्काई डाइविंग ना,
ये जोरदार होती है। फिर ट्रेनर होता है आपके साथ, अलग अलग अकेले नहीं कर सकते इसको आप, वो दो जने कूदते हैं ऊपर से, ट्रेनर भी साथ कूदता है आपके, है ना। करने करने की इच्छा है आपकी? नहीं है, डर लगता है ना। कैसे आसमान में, माइक पास लाओ माइक, कोई रिस्की नहीं है, ट्रेनर होता है आपके साथ, ट्रेनर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, दो पैराशूट होते हैं, एक आपके वाला होता है, सुनो, आपके वाला भी होता है और उसके वाला भी होता है, दोनों ऐसे थोड़ी दोनों नहीं खुले, पर आप दिन ही खराब है, नहीं खुले तो नहीं खुले, ऐसा भी हो सकता है। दिन खराब है तो फिर कुछ ही हो सकता है ना। अब मान लो डाइविंग में करने, पानी में गए नीचे आप, वेल आ गई तो क्या करोगे आप, तो वहां भी खेल खत्म होना ही है ना। तो ये जब तो क्रेजी लिखा है ना, क्रेजी स्पोर्ट आर्टन है ना ये। इसका मतलब हाइट से डर लगता है आपको, है वो तो कहीं नहीं हो रहे आप, नीचे वेल खाएगी तो कुछ ही नहीं आ रहा ऊपर, ये भी देखो ना आप। नीचे नीचे हो जाएगा, जल समाधि हो जाएगी। समाधि कहाँ होगी, कुछ बचेगा ही नहीं ना। हाँ ये ठीक है, ये जो आपका राफ्टिंग ठीक है, हाँ इसमें बॉडी बॉडी मिली मिली जाएगी। अगर साथ में कोई नहीं हुआ तो, है ना, बचाने वाला होता है वैसे, साथ में ट्रेनर होता है आपके, है ना, बचा लेते। लेकिन कई बार ना गंगा वंगा भी, जैसे हरिद्वार वगैरह में ना बड़ा तेज होता है बहाव, इसी केस में होती है वो, है ना, तेज होता है क्योंकि ऊपर से आती है ना गंगा, पानी तेज होता है वो बहुत, तो कई बार हादसे हो चुके हैं वहां पे, इसलिए बंद कर दिया आजकल, नहीं होती राफ्टिंग वहां। और उसका दूसरा रीजन ये भी था कि लोग कैंपिंग करते थे ना, तो जब से प्रोजेक्ट चला है गंगा की सफाई वाला, तो लोग क्या थे, कैंपिंग करके वहीं बोतलें छोड़ गए, प्लास्टिक वो गंदा करने से, ये भी रीजन रहा है वो, मतलब बहुत गार्बेज हो जाता था वहां पे। अब हिंदुस्तान तुम समझते हो क्या होता है, कैंपिंग कर रात में बियर पी रहे, बोतलें पी रहे, माई छोड़ गए, कौन साफ करेगा, वो नदी में आ जाती है, सब गंदी हो रही है उससे ना। जो कैंपेन चला तो वो सारी एक्टिविटी बंद कर दी, अभी नहीं होती वहां पे, है ना। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए ना, नेचर नेचर को क्लीन करना अपनी जिम्मेदारी है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब देखो, Ich finde sie fahren gefährlich. Welche Kommentar passt zu dem Foto? कौन से फोटो से मैच कर रहा है ये? फर्स्ट वाला। Sie fahren? Sie fahren? तो sie fahren था ही नहीं इसमें? कहाँ है? Sky diving आ गया। Finde ist super. Das ist spannend. Exciting है ना? एक बार है, अगर मतलब डर है आपको, एक बार कर लो, मजा आ जाएगा फिर। फिर आपको फिर एक्साइटमेंट लगेगा, बार बार करो उसको, है इतनी ऊंचाई पे जाना। हाँ मैं तो करूंगा थोड़ा, फिर 15 किलो वजन कम करना पड़ेगा, मेरा पैराशूट जरूरी निकलेगा फॉर एग्जाम्पल ना। हाँ वास्तव में मैं ज्यादा स्पीड से नीचे आऊंगा। मैं वो क्यों कारण बनू, क्या ट्रेनर को ले डूबू, क्या मतलब है उससे, है ना। तो 10-15 किलो वजन करके फिर कम कर, फिर करूंगा, करनी तो है मुझे। बंजी जंपिंग, अरे आदमी उल्टा होके नीचे जाता है यार, वो भी खतरनाक ही है पता है। मजा तो हर चीज में है, देखो जो क्रेजी वाली चीज है वो सब में मजा है, ऐसा नहीं है। जो स्पोर्ट जैसे आप माउंटेन वाली बाइक चलाते हो ना, वो भी क्रेजी है, है ना। कई बार हाथ पैर ही टूटते हैं उसमें, सब कुछ ही टूटता है। भाई साहब बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसमें, जंप कराते हैं ना वो, बंगी जंपिंग हो गया, पैर उल्टे बांध देते, नीचे सीधे छोड़ देते हैं आपको धक्का देके, वो भी खतरनाक ही है। ऊपर से कई बार वो पानी वाले स्पोर्ट आर्ट होते ना,
ऊपर धक्का दे दिया, फिसलते हो जा रहे हो, बहुत दूर जाके गिरते हो, वो वाटर स्पोर्ट ना उसमें भी होता है। अब ये सारी क्रेजी क्रेजी वाली, जैसे बोट के पीछे वो गुब्बारा ऊपर ऊपर उठ जाता है ना, वो भी आर्ट होती है। तो वो एक्साइटिंग है, लेकिन उसपे उसके ऊपर मूवी बन चुकी है। एक वो आई थी कियन मातार, सारा सारा को किसने मारा, सारा ऐसे मर गई थी उसमें, एक स्पेनिश सीरीज आई थी उसके ऊपर, सेम उस पे से बोट बोट चलती है और उसके साथ गेम होता है, उसको उसकी रस्सी काट देते हैं पहले ही, वो है ना, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो स्पीड चलती है, वो छूट जाती है, कट जाती है रस्सी, तो डूब जाती है पानी में ऐसा। फिर वो उस पे दो सीजन आए उसके, तो हर देखो एक्साइटमेंट जहां है तो वहां पे आपका खतरनाक भी है, वो सीधी सीधी बात है, कोई भी चीज देख लो आप, है ना। बाइक मजा भी आता है बाइक में, स्पीड चलाओ, लेकिन खतरनाक भी है भाई, एक्सीडेंट हुआ आपका कभी, हुआ है आपका, तो आपने बताया था वैसे ही है ना। तो देखो इस फिंडे शी फारन की फेल, शी फारन का दे नहीं रखा इसमें ना, स्काई डाइविंग फिंड इज जूपर दस इज स्पानन, स्पानन इज एक्साइटिंग ना, मिये गेफेल्ड कायाक फारन इन विल्ड वाटर, विल्ड वासर है, वाइल्ड वाटर, विल्ड वासर का मतलब वाइल्ड, मतलब पानी ज्यादा तेज हो या कुछ हो, वाइल्ड हो जाता है ना पानी, वाइल्ड का मतलब यहाँ पे ये ही है, लहरें ऊपर नीचे है ना, इस फिंडे दस टॉल कायाक होता है, कायाक फारन ना, छोटी वाली कायाक बोलते हैं सिंगल वाली को, बैठे हो कभी राधी का चलाइए कयाक, पानी से भी डर लगता है क्या? पानी भी, पानी में भी नहीं होना चाहिए, तो आपको मौका मिले तो कौन सी एक्टिविटी करोगी आप, फेरुक्टे स्पोर्ट आर्टन कौन सी करनी चाहिए, करना पसंद करेंगे आप? सी वाली, अच्छा बी वाली, अच्छा नीचे जाएंगे हैं, और ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो होती नहीं है वैसे ना। पर यार नेचर में जा रहे हो तो खतरा कहीं हो सकता है, देखो है ना। ओके फियर पे आओ, इश्माग निस गेन क्लेटन, क्लेटन मतलब टू क्लाइम, चढ़ना मुझे पसंद नहीं है, बेयर स्पोर्ट इस सू गिफेलिश, वो कह रहा है पहाड़ों पे चढ़ना बहुत खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है, चढ़ रहे हो ऊपर से कोई पत्थर आया सिर पे पड़ा, खेल खत्म, क्यों जी होता है ऐसा, कई बार होता है, दिन जब खराब होते हैं ना कुछ ही हो सकता है ना, रस्सी टूट गई, खुल गई कहीं से, टाउकन मेट हायन गिफेल्ट मी योर हाउपनेस इस फिंडे दस फर्स्ट वार, टाउकन मतलब डाइविंग, एक वर्ड आया यहाँ पे हाइन ना, क्या मतलब होता है हाइन का नहीं पता, शार्क, स्कूल ऑफ शार्क, डाइविंग विद शार्क, बोले मरने के काम वैसे ही हो रहे ये फिल्म में यूर हाउट ने बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझको ना, इस फिंडे दस फर्स्ट वार, फर्स्ट वार का मतलब होता टेरेबल, तो देखो टाउकन से मैच हो रही है ये, पांच नंबर क्लेटन तो दे नहीं रखा, कयाक फारन दे रखा है तीन नंबर, ये ए आ में तीन दे दो लिख दो, और बे में फाइव लिख दो, और से में स्वाई अनमेल्डिंग इन देन सान आस प्राक्षिश ह्यूरेंजी वास हार्ट दे अमान श्राइबेंजी, सुन के करना है इसको, ये डायलॉग पूरे कर सकते हो आप, कल किए थे ना अपन ने,
कोशिश करो, एर्गेंसन जी देन डायलॉग, तो गुटेन टाग के बाद क्या बोलेगा, उठाओ ऊपर से क्या बोलना चाहिए, देखो क्या होता है सांसमेशन, दांत दर्द, सान होता है टीथ और स्मेशन का मतलब होता है दर्द पेन। करो एक मिनट बाहर हूं मैं ना, डिस्कस कर सकते हो आप लोग, किसको देखो यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे उसमें दिख रहा है, बस आवाज आ रही है। बुक भी साथ में नहीं, तुम नहीं आते तो कौन आएगा, सुलेमान भी नहीं आता, शराब भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, सूरज भी, आनंद तो वैसे ही आता है, चूरू गया वो, तो एग्जाम कहाँ पर है तुम्हारा, दो तारीख को, कहाँ पे, कौन सी जगह, हो जाएगा यार, इसमें कुछ तो बताओ तुम, आवाज ही आने का नहीं, या तो गुटन टाक, तो क्या आएगा सामने वाला बोलेगा गुटन टाक इशाब स्टार के सांस स्मैश, फिर पूछे उससे हाबन जी एनी टर्मिन, हाँ तेज दर्द हो रहा है तो बांध लेते हैं ना उसको, कहीं देखोगा वो ऐसे है ना, मुंह सूज जाता है, कुछ हो जाता है, हाबन जी एनी टर्मिन
मुझे लांगे वाटन मतलब मुझे ज्यादा देर लंबा वेट करना पड़ेगा क्या? या वो क्या बोल रही? देखो देखो एक चीज है, हाबेंजियन टर्मिन उसमें क्या हो जाएगा? या माय नाम इज मारिया नोविस, इसमें तो ये आ गया, लेकिन मुझसे लांगे वाटन यार ये बैठ नहीं रहा, इसको डैश आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, वो उसके जवाब दे दिया, फिर वो पूछ रही है वार्निश शोन आइनमाल बाई उन्स, क्या एक बार हमारे यहां आ चुके हो आप? तो वो नाइन लाइडरनिस्ट, फिर यहीं पे पूछ रही है वो, इसके साथ आना चाहिए ये, मुझसे इस लांगे वाटन, उसने बोला या लाइडर या, यहां पे आएगा देखो, अनफॉर्चुनेटली यस, मुझसे इस लांगे वाटन, समझ में नहीं आया कि फिर देखो देखो मेरी बात, ये तो ये हो गया, ठीक है, हाउ वाज योर टर्मिन या नहीं, नहीं बैठ नहीं रहा ना, फिर है वार्निश शोन माल, एक चीज है अगर इसको यहाँ पे लिखते, इसको भी अगर लिख देते ना यहीं पे, उसने पूछा कि मुझे ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, यहीं साथ में आएगा क्योंकि एक साथ दे रखा है यहां से लेके यहां तक, तो है ना, फिर वो कह रहा है वारंजी शोन आइन माल बाई उन्स, तो उसने मना कर दिया नाइन, अब वो जवाब दे रहा है लाइडर या वी हैवन हॉइटे फील ए पेशेंट ने या इस ब्राउ के ईयर है फेजिसिंग फेजिसर्टन कार्ट है इंसुलिन कार्ट चाहिए, फिर वो जवाब दे रहा है ही अ बिट राइट डंक जो ईयर इस ईयर कार्ट बिट नेमन जी एम व्हाट इज सीमर प्लस, वो कह रहा गुड माकेश डंक, फिर इस चीज आपको यहां पे आ जाएगी, है ना, ये भरना है आपको, आया समझ में नहीं आया, वो फिट नहीं बैठता ना जैसे अपन चाह रहे थे, फिर उसको नीचे आ जाओ सुन के करेंगे इसको ना, व्हाट फील्ड क्रांक हाइट, बीमारी से रिलेटेड वर्ड्स फील्ड दे रखे हैं ना, तो बताओ क्या चीज काटनी पड़ेगी जो फिट नहीं हो रही है इनमें, फर्स्ट वाले में क्या चीज कटेगी, बाकी दवाई से रिलेटेड चीज है ना, देखो तीनों दवाई से रिलेटेड चीज, पानी अलग हो गया, पानी भी पीने से बीमारी से रिलेटेड दवाई हो गई, खांसी की दवाई हो गई, सिरप हो गई और दवाई मेडिकामेंट हो गई, कल आया था सर भूल गया।
right? Second, Sun asked the Hals and Shundung, the Grippe, the Orange Smashen. क्या चीज मैच नहीं हो रही बताओ? क्या रिसोर्स नहीं आए? राधिका, क्या चीज मैच, क्या चीज अलग है? कौन सी तीन चीजें समान है? अच्छा, मीनिंग पता नहीं चल रहा। सान आस्ता होता है डेंटिस्ट, और हल्स एंड शुंडुंग कल बताया था आपने, गले में छाले हो जाते हैं, वही है सर, शॉर्ट थ्रोट। ग्रिप है, ग्रिप एक तरह वो होती है, छींके आती है, उसको ग्रिप बोलते हो आप। और ओरल स्मैशन, कान दर्द, कानों का दर्द। अब बताओ क्या चीज है? ग्रिप है, जैसे फ्लू होता है ना, फ्लू, उसको बोलते हैं ग्रिप है। छींके आती हैं आपको, है ना? सानार्थ अलग नहीं है क्यों? बाकी सारी बीमारियां ना, वो तो दांतों को डॉक्टर प्रोफेशन हो गया ना। क्यों जी? राइट, थर्ड देखो, टेमिन अपॉइंटमेंट, दी फिजिस फेर जिसर्टन कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मागन स्मर्शन पेट दर्द, और वाट सीमर वेटिंग रूम। पेट दर्द लग हो जाएगा, ये कटेगा, ये अलग है ना। ये अलग है ना, बाकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, वेटिंग रूम हो गया, वेटिंग कार्ड हो गया, तो चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये पेट दर्द के बारे में बात कर रहा है, तो ये अलग हो गया ना। किंडर आज, किंडर आस्ट बच्चों का डॉक्टर, आस्ट हेल्फरिन जो असिस्टेंट होती है डॉक्टर की, वो आउगन एस्टिन आंखों की डॉक्टर, और हाउस एस्टिन आपकी जो जनरल जो डॉक्टर होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिजिशियन, तो ये अलग हो गए ना। देखो बाकी तीनों डॉक्टर है ना। आस्ट हेल्फरिन अलग हो गई ना। पांच नंबर, हुस्टन खांसी, रिसेप्ट प्रेस्क्रिप्शन, स्नुफन रनिंग नोज, और दस फीवर। रिसेप्ट, ये क्यों रिसेप्ट नहीं होगा? कनेक्ट करना है, फेरबिंडन जी कनेक्ट करो, आई ने क्रांक हाइट मैच करो, आई ने क्रैंकाइट हा बनाना चाहिए ना, टू हैव ए बीमारी। ओके, टैबलेटन नेमन टू टेक द टैबलेट, एंड रिसेप्ट फेट्सराइबन, फेट्सराइबन यमांडन क्रांक शाइबन, और आइनन ट्राइमन माखन। चले आगे। अब देखो कुछ डायलॉग दिए हुए हैं, तो कौन सा डॉक्टर बोलेगा, कौन सा पेशेंट बोलेगा, बताओ मेरे को रीड करके, और उसके बॉक्स में आ लिखना है या फिर पे लिखना है आपको, पे फॉर पेशेंट और आ फॉर आस्क्ड। कर दिया नाइन्थ, दी ड्यूरफन काइन अल्कोहल त्रिंकन, कौन बोलेगा ये बात? राधिका, कौन बोलेगा?
Asked. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich seit Tagen krank. Kaun bolega? Patient. Ich schreibe Sie krank. Trinken Sie viel Tee und ruhen Sie sich aus. क्या हो जाएगा? Asked. Sie haben eine Erkältung. Bleiben Sie ein paar Tage zu Hause. Kaun bolega? Asked. Wann muss ich die Medikamente nehmen? Kab mujhe dawai leni hai? To kaun bolega? Patient. Ich habe Magenschmerzen. Pet dard hai mujhe. Kaun bolega? Patient. Gute Besserung. Asked. Ich habe seit Tagen Fieber. Patient. हंसी क्यों बोलेंगे? ऐसे ही बोला जाता है ये. सुनो, देखो जी, सुनो. क्लियर? By their house, Aston. Physician के यहाँ पे आओ आप. Was fällt Ihnen? Schreiben Sie. कैसा लग रहा है आपको? इसको कैसे describe करोगे? बुखार है, इसको खांसी है. तो कैसे बोलेंगे? I, हाँ, वो sentence लिखो. Fever का article क्या होता है? Das fever. पक्का चेक करो. तो इस हाब स्टार के फीवर ऐसे बोलना पड़ेगा ना. सर इसमें तो फीवर में कहां पे स्पेलिंग क्या लिखी है? मैंने इंग्लिश में F-I-V-E-R. फिर जर्मन ढूंढो ना इसको. F I E B E R तो जर्मन में होती है. इंग्लिश तो F I V E R होती है. हाँ तो F I E B E R आ रहा होगा, दास आ रहा होगा ना. दास फीवर देखो. है क्या रहा है? कैसे फनफर? नहीं, फीवर ये दास फीवर होता है. कहाँ देख रहे हो आप? इधर आओ, दिखाओ क्या दिक्कत आ रही है. अबे स्टार्किस फीवर गलत लिखा है ना आपने सर जी. जर्मन में देखो, इसमें वाला चीज को सेलेक्ट तो करो. ने किया ना सर, उसमें तो आएगा. बिल्कुल आएगा. सिंपल आएगा. नहीं देखो, इस हाल में देखो भैया, बिल्कुल आएगा. अच्छा, इस हाल में स्टार के फीवर ना. ओके, सेकंड वाले में क्या रहोगा? क्या हो रखा है दो में? नहीं, सेकंड वाले में खांसी थोड़ी है. इसको देखो क्या हो रखा है. हेडेक हो रखा है. क्या बोलते हैं हेडेक को? इसके बारे में लिख रहे हैं. हाबे की जगह. अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? शाइबन जी. ओके, तो इशाब क्या बोल देंगे इसको? बताओ. कॉफ स्मेशन ना. Of smashing, no? Ishabik of smashing. इसके क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे?
पेशाब है हुस्टन, हुस्टन ह्यूस्टन नहीं हुस्टन, नाउन बनाओ इसको, एच बड़ा आएगा ना, पेशाब है हुस्टन। और इसको क्या दिक्कत हो रही है, पेट पकड़ के बैठी है, देखो पेट दर्द हो रहा है, तो इशाब बाउक स्मेरसन, बाउक और पेशाब बाउक स्मेरसन। वेलफेटिव जिंड फ्यू वेलचेपेजोन, बताओ ब्लाइबिन जिम बैट जिम मुसन फील स्लापन, कौन किसके लिए सलाद हो गई है, कौन से पर्सन के लिए है ये नंबरिंग करनी, चार लोग है ना वहां पे, स्वाई के लिए नहीं, नहीं तो बेड बेड पे कौन किसको रहना पड़ेगा, ए वाले को ना, फिर वाले को सोना पड़ेगा ना बेड पे, सिरदर्द वाले को थोड़ी बोलोगे बेड पे पड़े रहो आप, बताओ और दवाई लेके सो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना शांति से। ओके नेमेंजी देन हुस्टन्स आप ड्राई माल टैगलिस, दिन में तीन बार, थर्ड वाला हो जाएगा है ना, तीन बार कफ सिरप लेनी है आपको ना, एसएनजी होइटेनिस्ट ये हो गई, ये चार पेट खराब है ना इसका, खाना नहीं है भैया बिल्कुल शाम को ना, खाना नहीं है आपको। और नेबेंजी आई ने कॉप्स मेडिसिन, कॉप्स में टैबलेट है, दवाई ले लो सिर दर्द की, तो दो नंबर हो जाएगी। ये ह्यूरिन है आपका, वासिरिस्टिस क्या सही है, क्रोसेंजी अन क्रॉस करिए, मेडिकामेंट है काउफमान, कहां पे खरीदता है आदमी, इन वाटेसीमर इन देर आपको देखे वाटेसीमर में वेटिंग रूम में के दवाई की दुकान पे, राधिका कहां खरीदती है दवाई, अपोथेक है इंदिरा अपोथेक है। टर्मिने बाय आस्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के यहां ना, बाय देयर एस्टेन मार्क्ड मन, या डॉक्टर के यहां या फीमेल डॉक्टर के यहां, तो ये कहां पे करते हो आप अपॉइंटमेंट, कहां पे लेते हो, या बाय देयर स्पेस टुंडन हिल्फ है ना, जो प्रैक्टिस होती है ना वहां पे कॉल करके लेते हो अपॉइंटमेंट ना, हाँ तो आले फेजिसर्टन हाबन, फेजिसर्टन हाबन, फेजिसर्टन मतलब जो इंसोर्ड होते हैं ना सारे, उनके पास क्या होता है, एक इंश्योरेंस कार्ड होना, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है ना, आप अगर इंश्योरेंस लेते तो आपको कंपनी कार्ड देती है ना, फॉर एग्जांपल, तो क्या आ जाएगा, आईने क्रांकेन फेजिसर्टन कार्ड, ये आएगा आईने क्रांकेन फेजिसर्टन कार्ड है, राइट। फियर द रिसेप्ट फ्यू डी मेडिकामेंट बेकॉम्पमन, प्रेस्क्रिप्शन है फॉर द मेडिसिन के लिए, वो कहां मिलता है, डॉक्टर क्या मिलेगा ना आपको, प्रेस्क्रिप्शन कौन देगा आपको, डॉक्टर ही देगा ना, डॉक्टर क्या मिलेगा प्रेस्क्रिप्शन, अपोथेक में तो आप दवाई मिलेगी आपको, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज है। टिप्स इन इंटरनेट, तो देखो ये कहना चाह रहा है, डिजनजी देन टेक्स्ट ऑन जामिलजी टिप्स गेगन मार्गन स्मेडिसिन, पेट दर्द के अगेंस्ट में कुछ टिप्स चाहिए है ना, या बाउक स्मेडिसिन और मार्गन स्मेडिसिन, दोनों पेट दर्द होता है। ओमा टिप्स बाई मार्गन स्मेडिसिन, दादी दे रही है, दादी ओमाज दादियां दे रही हैं टिप्स, अलग अलग घर का वह ना होता है ना, चटनी चाट लेना चूरन चाट लेना ये कर लेना वो कर लेना बोलते हैं ना, है ना, पेट दर्द हो रहा है। ओके तो देखो जिमोने एक कोई प्रोफाइल का नाम है, ठीक है रीड करो, ये जिमोने बता रही है मेरी दादी कहती है, हाँ माइने ओमर आइलैंड जूपिटर जी ड्रिंक आइसन कामिलियन थे देन दे मिट निश ड्रिंकन ऑन फैटिश दास हेल्प वो कह रही है कामिलियन टी जी ड्रिंक
हाइसिन कमिलेंट, गरम कमिलेंट टी पीती है वो, है ना, टाइप ऑफ टी है ना। देंटे मिट होनिश, होनिश मतलब हनी के साथ। ट्रिंकिन उन फैटिश, पीलो और पेट दर्द गायब। द सेल्फ जेगुन मतलब बहुत बढ़िया मदद करता है। ओके राधिका, ये काटे पढ़ो, काटे। अगर एक सूप पी लो वो भी हमेशा मदद करता है ना, तो सूप भी पी सकते हो, आपका पेट दर्द है तो सूप पी लो, है ना। ओके जोनन मारी, बताओ सर क्या कह रही है जोनन मारी। गे पर पड़ा जोड़ दिया इस गे। वो कह रहा जब भी पेट दर्द होता है तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ, वही सबसे बेस्ट हेल्प है ना, वही सबसे बेस्ट हेल्प कर सकता है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। जोनन मारी दे बोला है। मिशेल क्या कह रहा है? मिशाइल। कोला पी लो या नमक वाली कोई चीज पी लो, है ना, वो मदद करेगी आपके। सोडा तो नहीं है? जाल्स स्टांगन चेक करना, सोडा तो नहीं है ये, आई गेस। वही है जाप स्टिक, साल्टेड स्टिक, वही चीज है ना, नमक वाला कुछ पी लो ऐसा करना चाहता, सॉल्टी ना। आगे आ जाओ। तो साइमन जी वाइट एरे टिप्स, तो आप मेडिकेंट बोल दो कि साहब मनमुस मेडिकामेंटे नेमन, या मनमुस काइन फास्ट फूड एसन, मनमुस काइन एन अल्कोहल ट्रिंकन, ये और टिप्स है, ये टिप्स भी लिख सकते हो आप, मतलब लोग आप सलाह दे सकते हो ना किसी को कि दवाई लो या मनमुस मेडिकामेंटे नेमन, वन शुड टेक मेडिसिन ना, या मनमुस काइन फास्ट फूड एसन, फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए आपको, पेट में दर्द क्यों खा रहे हो फास्ट फूड, या फिर आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, है ना, या ड्रिंक फील काफे फील टे फॉर एग्जांपल, है ना। इशावे हाल्स मेडिसिन, गले में दर्द है आपके, तो वास जागती एस्तिन, डॉक्टर क्या कहती है सुनना है और बताना क्या क्या बता रही है डॉक्टर, तो सुन के करेंगे इसको, है ना। नीचे आ जाओ, प्रॉब्लम है उन रास्ते लेंगे, समस्याएं और सजेशंस। माइने हो द पास्ट मियर निस मियर, वो कह रहा है मेरा जो पैंट है ना वो सूट नहीं कर रहा है, पुराना सा हो गया, क्या करूं, क्या सलाह दोगे, मैं तो ये बोलोगे ना, तो काउफ आइने नोए, काउफ आइने नोए होजे, लेकिन हाँ काउफ आइने नोए होजे। तो बोल दो भैया नया खरीद लेना, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। इशाबे कॉफ मेडिसिन, तो क्या बोलोगे, तो बोलो नीम निम, निम आईने आईने आया था ऊपर, आईने टैबलेट है या कॉफ स्मेस टैबलेट है, कॉफ स्मेस टैबलेट आईने कॉफ ये टैबलेट है, इसमें इमर म्यूड है, मैं हमेशा थका रहता हूँ, हमेशा थकान रहती, क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे जल्दी सोने चले जाया करो ना, जल्दी सो जाया करो ना, ऐसे बोल सकते हो, या फिर स्लाफ स्लाफ मिंडेस्टेंस आक्ट स्टुंडन, स्लाफ मिंडेस्टन आक्ट स्टुंडन, कम से कम 8 घंटे सो, ऐसे बोलना चाहिए ना आपको, थके रहते हो तो नींद पूरी नहीं होगी, थकान रहेगी ना भाई। ग्रेशमेंट क्रांक, तो क्या बोलोगे, बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, तो ये सुमास्ट ये सुमास्ट इस डाफ निस मेयर फुस्पा स्पीलन विल अवर वाइटर स्पोर्ट माखन,
तो क्या सलाह होनी चाहिए कि आई एम नॉट अलाउड टू प्ले फुटबॉल बट आई वॉन्ट टू डू लेटर वाइटर, मतलब आगे मैं स्पोर्ट करना चाहता हूं लेकिन मैं मुझे फुटबॉल खेलना अलाउड नहीं है, क्या वो क्या क्या सलाह होनी चाहिए इसमें? फुटबॉल अलाउड है नहीं, नहीं है लेकिन स्पोर्ट करना चाहता है आगे तो स्पील SPIEL है ना, स्पील आइन आर्ट ना, आइन है आइने अंधेरे आर्ट, अंधेरे आर्ट ना, स्पील आइने अंधेरे आर्ट, ये इंपरेटिव आ गया। अब मैं बता दूं कि इंपरेटिव आपको क्या करें बताओ, तब अच्छा इसमें हो गया। वैसे ये पेज ही है यूरे नहीं, देखो ये तो पूरा है ना, और ये कर सकते हो, ये कर लो प्रेजेंट प्रोनोमन अक्यूजेटिव, कल वो रॉक्सी वाला करा था ना लड़की वाला, वो उसी की तरह है, ये पर्सनल प्रोनाउन भरना है आपको, ये कर लो फिर ये देखती है, छोड़ देते हैं कल, देखो आ जाएगा ठीक है, नहीं मैं करा के आपको हिरन करा दूंगा इसको, है ना, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, तो ये छोड़ देते हैं एक बार, ये वाला इम्पेरेटिव वाला क्योंकि ये उससे रिलेटेड ही है, और ये वाला कर लो, है ना, पार्टी ये स्पेशल, हाँ ये भी सीखा है, ये भी सीखा है। अक्यूजेटिव में पर्सनल प्रोनाउन याद है ना, इसका क्या होता है अक्यूजेटिव, इसका मिश दू का एयर का, एयर का इन, जी का जी, एस का एस, वी का ई का, जी का जी का और जी का जी, भर दो आप, देखो ते मैं अपना कल हो जाएगा, हाँ ब्राह्म आ गया वो तो तीन चार दिन का, आप वो एक्सप्रेस आए हो? नहीं नहीं हम जो है वो नेशनल आए, सर कोई एक्सप्रेस नहीं है, एक एक चीज करा रहा हूँ इनको, पूछो इनको पूछो, कोई चीज एस्केप नहीं करी है मैंने, मैंने कौन सी करी है तो फिर आप एक्सप्रेस कैसे बोल सकते हो? काहे के पंचुअल है ये पता नहीं, गलतफहमी हो रखी है आपको, पंक्चुअल होते तो पिछले वीक खत्म हो चुका होता अपना, राधिका एम आई राइट? लेजी हो रखे सारे, लेकिन अपन नहीं रुकेंगे, अपनी दिक्कत नहीं है ये, तीन लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं अपने को A2 में, है ना, 3 तारीख से मंडे से स्टार्ट कर देंगे, अपन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आप देखो पता है A1 कितने टाइम में हुआ है, आप देख लो कितने लगातार पढ़ने के बाद अपने को 3 महीने से ज्यादा हो गए, सितंबर में 3.5 महीने हो गए भाई साहब, टाइम फ्लाइज सो फास्ट, और एक दिन भी ऐसा नहीं पढ़े नहीं है हम, आप देख लो है ना, पूरी तरीके से क्लास हुई है, सब कुछ पढ़ा है, और तब टाइम लग गया अपने को, आप लगा लो ना, टाइम लगता ही है यार, A1 में टाइम लगता है, A2 में इतना नहीं लगेगा, A2 में अपन कर लेंगे क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है सारा, चलो जी भरो इसको,
पे कौन कितना अच्छा करता है ना। ज्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे देखो ना, दाड्यूबन वहां पे ऐसे इशार करके बता रही है, वहां पे वो दिख रहा है, वो टिपिकल आदमी ना। ओवर बोल सकते हो, ओवर ना, ओवर देयर। तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए बताओ, राधिका क्या आएगा यहाँ पे, बताओ क्या आएगा। हवाई चौधरी जी जाना चाहिए, इन इन इज द राइट आंसर। पीटर की बात हो रही है, पीटर कौन, तो ही का अकोजिटिव क्या हो जाएगा, इन ना, या एजीट सुपर हाउस, ही लुक्स अमेजिंग ना, बहुत बढ़िया लग रहा है वो, ब्लॉन्ड हेयर है उसके ना, ब्लॉन्ड हेयर पता है ना आपको, यूरोप की लड़कियों के बात होते हैं ना। अगली बार राधिका ब्लॉन्ड ही करेगी सारे बाल ना। बेकार लगेगी क्यों, ये क्या कह रहा, बेकार लगेगी, अब पहले ही मना कर दिया उसने। पर्पल करेगी, पर्पल पर्पल सही है, ब्लॉन्ड उनपे, इनकी वो स्किन व्हाइट होती है उनपे सही लगते हैं ना, अपन पे नहीं लग सकते, अपन फनी लगेंगे उसपे है। ना ओके, पर्पल पर्पल मूड है ना, ओके आगे बढ़ो। इशावे जाइन टेलीफोन नंबर, मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है, तो क्या आएगा, रूफ रूफ इन, उसको कॉल करो ना। देखो दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है जीस टू देन टॉलेंट ट्यूपिन दारुबन, वो दिख रहा है कि तुम्हें टिपिकल आदमी, वो कह देन ब्लॉन्डन, वो ब्लॉन्ड, दास इज पीटर, वो पीटर है, फिंडस डू इन गुड, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो या एजीट सुपर हाउस, लड़की बात कर रही है कि मुझे अच्छा लग रहा, हाँ ही इज लुकिंग सो गुड, तो लड़का कह रहा मेरा नंबर है उसके पास, तो लो रूफ इन डॉक माल अन, कॉल करो उसको ऐसे ना। नहीं नहीं नहीं, आगे विद यू नॉक मेट ओला सुजामन, क्या तुम अभी भी ओला के साथ हो, है ना, साथ मतलब इन रिलेशनशिप ना, ओके वो नाइन इशाब है, अब ओला की बात हो रही है, जी दिश कैसे हो जाएगा, ओला की बात कर रहे हैं, जी का जी होता है ना, अभी आपने बताया था, वो कह रहा है इशाब जी सोन जाइट आइन एम हाल बन यार निस मेयर गेत्र, मैं 6 महीने से ज्यादा हो गए, मैं उससे मिला नहीं हूं, ठीक है,
उला की बात हो रही थी, शी की बात हुई है ना, थर्ड में बताओ राधिका, दिमाग लगाओ इसमें तीन में क्या आएगा। हेलो इश्क लाओ आई बिलीव इश हाब डॉट डॉट शोन आइन माल गिजेन या नचुलिश ऑफ कोर्स अमोंटक हाबन बियर उन्स, यहां तो उन्स आएगा। इन द गल्ली तीर्थन वी गेट अ सीन एंड देन हाउ आर यू। ओ वो कह रहा है हेलो, जी आएगा इसमें, कोई आदमी मिला अब हेलो आई बिलीव इशाबे शोन आइन माल गिज़, एक बार देखा है मैंने आपको कहीं पे, ऐसे कहना चाह रहा है वो, कह या नेचुरली ऑफ कोर्स अमोंटक हाबन बी उन्स इन देयर गैलरी के थ्रू, उस गैलरी में मिले थे हम है ना, वी गेट अ सीन एंड देन, कैसे हैं आप, होता है ना फिर आदमी को रोक के बोलते हो। चार में क्या आएगा देखो, दुहास्त या आइन टॉलेस क्लाइडान, अच्छी पोशाक पहनी हुई है आपने, वो डांग के इशाब है, अब पोशाक की बात हो रही है देखो, इसके लिए क्या यूज करोगे, एस एस का अकोजिटिव एस इशाब एस लेस द वॉक गिक आउट, मैंने इसे लास्ट वीक खरीदा है। पांच नंबर ये हाफ टॉइश या ये हाफ टॉइश इन काफे मार्क गिट्रोफन Do on ein junger Mann, du liebst mich nicht mehr. देखिए कह रहा है तुम लोग, दो लोग की बात हो रही है, तुम और एक एक यंग मैन, अपनी वाइफ से बात कर रहा है शायद ये, या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है कि तुम लोग कैफे मार्क में मिले थे, तुम और एक यंग आदमी, यंग लड़का, एक यंग आदमी, du liebst mich nicht mehr, you don't love me more. वो के नचुलिश लीवे इश डिश डिश आएगा ना, ऑफ कोर्स आई लव यू नॉक स्टिल आई लव यू या एरिस माइन कलीग, कोलेग है ना, इज माय कलीग वी हार्टन आइन अरबाइस एसन, खाने का जो डिनर था ना वो था हमारा, काम कंपनी ऑर्गेनाइज करती है ना अरबाइट एसन, वो अरबाइट एसन था हमारा, वहां पे मिले थे तो वहां देख लिया उसने, मान लो तो गलत फहमी हो गई उसको है ना, तो मिश आएगा यहाँ पे डिश आ जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया जी, कल इसको सक्सेसफुली विदा कर देंगे आई गेस, पहले आपको मैं इंपरेटिव पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको ह्यूरन करा दूंगा, ठीक है, कैसा रहेगा, सही रहेगा। चलो जी पेपर कब है आपका, 2 तारीख को, कैसी तैयारी चल रही है, बढ़िया, चलो बढ़िया, तो फिर कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे है ना, ओके बाय बाय।